नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मौर्य सर मित्र पर। आज का रेस्क्यू कॉल हमें आजमगढ़ जिले के हरदसई रामपुर गांव से आया है और ऐसे में बिना वक्त गवाए हम लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए चल के देखते हैं कहां पे और कौन सा सांप है, उसका सुरक्षित रेस्क्यू करने का प्रयास करते हैं। ऐसे पता करने का कोई तरीका होता नहीं माता जी, जो लोग ऐसे दावा करते हैं वो लोग गलत करते हैं, मतलब बेवकूफ बनाते सीधे सीधे लोगों को, ऐसा कोई तरीका नहीं होता है। आप या कोई भी देखा रहेगा तो वहाँ पे चल के बस चेक करके निकला जाएगा उसको। भरा हुआ है क्या ड्रम? यहाँ तक ले आयल फिर हल जाए। कितना बड़ा था? अरे भैया बड़े के मजे का हो गई थी, ये गोजी का एक नहीं उठा, एकदम काला कलर, एकदम काला काला है, एकदम काला है। चलिए नहीं बात समझ गया। अरे वो बहुत ज्यादा नहीं है खाली। हाँ भैया अब वो अरे कुछ नहीं होगा, आप इतना मौके मत करना। आप ऐसा नहीं लाई पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं हाँ तो मन गल तसला ले लीजिए, तसला से बस माता जी, जब इतना फर्श होता है ईटा रखने को जरूरत है ना? ये तुम्हारे नहीं, यहाँ तो ईटा कोई जरूरत है ना? ईटा कोई जरूरत नहीं, वो मक्की वाला घर रहता था उसमें मक्की का ईटा हो गया। आओ जो अक्सा पर आओ, अक्सा पक्षा जिसको जो थोड़ा कभी भी ऐसे बंद करिए, ढक्कन बंद करिए।
अच्छा मैं जाऊँ आराम से आराम भाई, घबराने की जरूरत ना था उनको, घर में एकदम रिलैक्स रहा सर का एक दिन और पकड़ो की जरूरत। और ओके दिवाली में चला जाएंगे ये ईट हटा के देंगे जी, इसको एकदम उधर सटा दीजिए, जगह बन जाएगा वहाँ पर। तो करैत दिख रहा है, करैत तो लग रहा है जी, भारत का सबसे जहरीला सांप कॉमन करैत। भागना भी बात तू पीछे आ, भागना भी बात आपको पूछा देख ला, साफ है देख ला, अभी बाहर ले आ रहे हैं, नहीं बाहर लेके जा, बाहर लेके आ रहे हैं, बाहर लेके आ रहे हैं, सब ठीक तरह से हटा दी जाए ताकि कोई और रहेगा तो क्लियर हो जाएगा, कोई और रहेगा तो क्लियर हो जाएगा ना। बहुत बड़ा है, बड़ा है जी और खतरनाक भी। इतना पूरा जान ले सकता है? जान ले रही है, बिल्कुल ले लेगा, कराए थी से छोटा भी जान लेगा। भारत का सबसे जहरीला सांप है। तो बाहर तो बहुत शोर आ रहा होगा, कोई नहीं लेकर बारिश तो बहुत तेज हो रही है। अरे आप लोग परेशान मत, ये काटने को किसी को काट सकता है, और इसको पहचान लीजिए, भारत का सबसे जहरीला सांप है, कोबरा से 4 गुना ज्यादा तेज इसका जहर होता है जी, करैत कोबरा से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है ये। कॉमन करैत सांप भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक होता है, और इसका वेनम कोबरा के वेनम से 4 गुना ज्यादा तेज होता है, और ये ज्यादातर रात में ही एक्टिव रहते हैं, और कई बार ये हमारे बिस्तर पर भी आ जाया करते हैं, और हमारे शरीर से दब जाने के बाद ये बाइट भी कर लेते हैं। ऐसे में बेहतर ये होगा कि रात को सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, वो हमें मच्छर से तो बचाएगा ही बचाएगा, साथ में अन्य कीड़े मकोड़े जैसे कि सांप वगैरह से भी बचाएगा। फिलहाल हम लोग इस सांप को बैग में पैक करने का प्रयास करते हैं, ये थोड़ा वक्त ले रहा है लेकिन ये खुद ब खुद बैग में चला जाएगा, हमें ना तो इसका सिर पकड़ना पड़ेगा ना ही इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो देखते हैं ये बैग में कब तक जाता है, ज़्यादा वक्त लेता है या फिर
और आप लोग देख सकते हैं ये फिलहाल तुरंत से बैग में चला गया। अभी हम लोग उसको यहाँ पर पैक कर लेंगे और यहाँ से दूर ले जाकर के इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज़ कर देंगे। और हम लोग यहाँ से निकलना चाह रहे हैं लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, फिर भी हम लोग यहाँ पर रुक भी नहीं सकते क्योंकि और भी ज़्यादा लोग रेस्क्यूज़ के लिए वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग शाम को रिलीज़ करने के लिए आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जगह इसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। फिलहाल रात का वक्त हो रहा है, हम लोगों ने रात के वक्त इसे रिलीज़ करना ज़्यादा बेटर समझा क्योंकि जो करैत सांप होते हैं वो रात में ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ऐसे में ये अपने अनुकूलित वातावरण में अच्छे ढंग से सर्वाइव कर पाएगा। और आप लोग देख सकते हैं जो सांप है वो काफ़ी तेज़ी से अंदर की तरफ चला गया। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।